सदर थाना क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर रोड बस स्टैंड से पकड़ा आरोपी को। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सदर थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी 21 वर्षीय टीकू राम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जयपुर रोड बस स्टैंड से उस वक्त दबोच लिया जब वह फरार होने की फिराक में था। सदर थाना अधिकारी रज्जी राम ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की की माँ ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह और उसका पति मजदूरी करते हैं, इसलिए अक्सर उनकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली रहती है। पिछले 4 दिनों से उनकी बेटी उदास रहती है। जब उसने अपनी बेटी की उदासी का कारण पूछा तो वह डर गई, लेकिन उसे आश्वासन देकर जब सारी बात पूछी तो उसकी बेटी ने बताया कि 4 दिन पहले टिकू राम नाम का व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया और एक कमरे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि किसी को बताया तो वह लड़की और उसके परिवार को जान से मार देगा। महिला थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी जाँच सदर थाना पुलिस को दी गई। सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी टिकू राम को गिरफ्तार कर लिया। मामला ये महिला थाना में 2023/376 और पोक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुकदमा अजय का आरोपी टिकू राम सरोवर मोहनलाल नायक निवासी बिना सर को गिरफ्तार किया।